नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबर है जनपद मिर्जापुर से, जहां मिर्जापुर विधानसभा 96 कंपोजिट विद्यालय तिलावत जनसभा में बीजेपी जिला अध्यक्ष निषाद, पार्टी जिला अध्यक्ष संतोष केवट, अपना दल यस जिला अध्यक्ष राम लटन बिंद ने एनडीए गठबंधन में अपनी ताकत दिखाई। एक तरफ जहां पार्टियों की कुर्सियां खाली दिखती है, वहीं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विधायक राहुल प्रकाश कोल को आशीर्वाद देने के लिए लोग कुर्सियां क्या जमीन पर बैठे और खड़े रहे। वहीं अपने जिले की सांसद अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को देखने के लिए यहां की जनता पलक बिछाए बैठी रही। आपको बता दें कि जनता का आशीर्वाद लेकर लोकप्रिय विधायक राहुल प्रकाश कोल के लिए कप प्लेट पर वोट देने की अपील की। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी बताई और विकास की गंगा बहाने का वादा किया। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शीतला प्रसाद बिंद की रैली से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आप जनता जनार्दन इंटर कॉलेज तिराव प्रांगण में आज हम लोगों के नेता और दलित शोषित कमेरा समाज सहित पिछड़ों की आवाज़ और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जो अपना देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री हैं, मिर्जापुर से दूसरी बार सांसद हैं और कहीं न कहीं मिर्जापुर के लिए विकास के नए नए आयाम लाने का जो काम किए हैं, ऐसे इनका नाम सर्वमान्य है। इसलिए आज वो जनसभा के माध्यम से जनता से अपील करने आए थे और आग्रह भी करने आए थे कि कप प्लेट के सामने वाला बटन दबाकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाजपा अपना दल यस और निषाद पार्टी के प्रत्याशी मैं राहुल प्रकाश को तो हमें जिताने के लिए कप प्लेट के चुनाव स्थान पर बटन दबाने के लिए अपील और आग्रह करने आए थे अपनी जनता के बीच। विधायक जी, जनसभा बहुत देखे हैं हम लोगों ने, लेकिन यहाँ जमीन पर बैठ करके आप लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ की जनता उत्साहित है। अपने से कुछ कहना मियां मिट्टू बनना है। आप हमारे सभी कार्यक्रमों को आपने देखा है, चाहे वो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी साहब का प्रोग्राम हो, चाहे आपके बीच में बहन अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम है, आप अभी कल भी देखे होंगे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी का कार्यक्रम हो। मैं जब भी कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मुझे एज ए सेवा मैं मुझे अपना सेवा अपना भाई अपना बेटा अपना अनु समझ के अपार स्नेह देने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। उनके लिए कुर्सी मायने नहीं रखती, जमीन मायने नहीं रखता। यह होता है कि अपने इस बेटे के सम्मान में हम लोग अपने पूरी तरह से भीड़ इकट्ठा करके किसी नेता के सम्मान में उनका उत्साहवर्धन करने में उपस्थित हों। इसलिए जनता जनार्दन के प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी देवतुल्य गार्जियन स्वरूप माताएं बने नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग का और इस क्षेत्र के जनमानस का जो हमें आशीर्वाद मिल रहा है, ये स्नेह और प्रेम ही है। जनता जो चाहने वाली है यहाँ पे आई, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? आप में यहाँ के विधायक हैं, अपने हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हम आजीवन प्रभु से कामना करते हैं, हम उनके लिए विधायक की हैसियत से नहीं बल्कि अपने सेवक की हैसियत से हमेशा उपस्थित रहें, उनके दुख और सुख में शामिल होने का काम करें और उनके कहीं न कहीं मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लेने का काम करें। यही सेवक की भूमिका में रहे, यही उम्मीद है कि जहाँ बिजली की कमी रह गई हो, जहाँ पानी की कमी रह गई हो, जहाँ सिंचाई की कमी रह गई हो और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में भी कहीं कमी रह गई है, उसको मैं इसमें पूरा करने का काम करूँगा। जनसभा से कैसा लगा आपको? इस जनसभा से